आज अफ्रीका का सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे। उम्मीद है कि अफ्रीका फर्स्ट आपने देख लिया होगा, पहला पार्ट अफ्रीका महाद्वीप का। जरूरी भी है कि द्वितीय पार्ट किसी भी अध्याय के अगर दो पार्ट में दे रहा हूं तो जरूरी है कि पहला पार्ट आप देख के अच्छे से तभी सेकेंड पार्ट देखें, क्योंकि पहले पार्ट में ऐसी आधारभूत बातें होती हैं कि उन्हें देखे बिना समझे बिना द्वितीय भाग में ऐसी बातें आएंगी जो कि द्वितीय चरण की बातें होती हैं। पहले चरण की बातें पहले भाग में आप देख लेंगे तभी द्वितीय चरण की बातें आपको समझ में आएंगी। ऐसे तो सभी अध्यायों में मैं दो पार्ट नहीं रखूंगा, दो पार्ट तभी रखता हूं जबकि बहुत लंबा होने की संभावना रहती है, तो उसमें दो भागों में बांट देता हूं। तो चाहे यूरोप को भी मैंने दो भागों में पढ़ाया था, तो पहला भाग देखने के बाद तभी दूसरा भाग देखिए, और दूसरा भाग भी देखना भी उतना ही जरूरी जितना पहला, क्योंकि कई बार अधिक महत्वपूर्ण जानकारियां सेकेंड पार्ट में होती हैं। इसलिए आप सभी अध्याय बारी बारी देखते चलिए। प्रीलिम परीक्षा बहुत दूर नहीं रह गई है, भूगोल मैं पढ़ा रहा हूँ, होली के बाद मैं इसके बाद मैं इतिहास भी शुरू करने की योजना पर काम कर रहा हूँ। मैं जल्दी इतिहास भी शुरू करूंगा, उसके बाद विज्ञान भी, इकोनॉमिक्स भी। इससे पहले कि मैं अफ्रीका का दूसरा भाग आपके साथ शुरू करूं, मैं चाहता हूं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। ऐसे बहुत से दूर दराज के लड़के लड़कियां हैं जिन्हें मेरी जरूरत है, ऐसे लड़के लड़कियां जो कोचिंग नहीं कर पाते हैं, महंगी फीस नहीं दे सकते हैं या शहरों में नहीं आ सकते हैं, अच्छे शहरों में, बड़े शहरों में जहाँ कोचिंग संस्थान है, वो अपने ही घर से रह के कोई कोई साधन ढूंढते हैं, या तो फोन के द्वारा या फेसबुक के द्वारा, कि कोई नोट्स भेज दे, कोई किताब भेज दे, या कोई बता दे कि क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। ऐसे बहुत से लड़के लड़कियां हैं सालों साल गलत ढंग से पढ़ते रहते हैं, या उन्हें समझ में भी नहीं आता, प्रयास करते हैं, ईमानदारी है उनके अंदर, प्रयास करते हैं, चाहते हैं कि कुछ बने, उस दिशा में काम भी करते हैं, लेकिन सही दिशा निर्देश और सही पढ़ने का तरीका नहीं पहुंच पाता है उन तक। तो मैं आपसे ये भाव का अपील कर रहा हूं कि ऐसे लोगों तक मुझे पहुंचा दीजिए। अगर आप मुझे थैंक्स कहना चाहते हैं किसी भी काम के लिए, किसी भी बात के लिए, अगर आप मुझे थैंक्स कहना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे वीडियोस को उन तक पहुंचा दीजिए। बहुत से तरीके हैं, मेरे चैनल का नाम बताकर, उससे भी अच्छा तरीका है मेरे वीडियो शेयर कर दीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, फेसबुक्स पर वीडियो शेयर कर सकते हैं। उससे भी अच्छा तरीका है मेरे चैनल का ऊपर जो लिंक होता है, लिंक शेयर कर दीजिए। लिंक शेयर करने से मेरे चैनल का, वो मेरे चैनल पे आके सारे वीडियोस एक साथ देख सकते हैं। तो मेरे चैनल का लिंक शेयर करते हैं, कोई खास वीडियो आप देख रहे हो जैसे ये वीडियो, तो ऊपर जो लिंक होता है उस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं। तो मेरे वीडियोस के लिंक या चैनल का लिंक शेयर करके, आप फेसबुक के माध्यम से शेयर करके, या व्हाट्सएप के माध्यम ग्रुप्स पे शेयर करके, मेरा मकसद प्रचार नहीं, ऐसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचना है जिन्हें मेरी जरूरत है। और अगर आप ऐसा कर देंगे तो ये मेरे लिए आपका एक बहुत बड़ा थैंक्स होगा। आइए, और हाँ एक बात और, आपने एड्रेस खरीदा है कि नहीं, मैं आपका जवाब यहाँ नहीं सुन सकता हूँ, लेकिन मुझे आपका उत्तर हाँ में चाहिए। अगर आपने एटलस नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए, मैं आपके साथ जब इतनी मेहनत कर सकता हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ, फैमिली भी संभाल रहा हूँ, घर से बाहर भी रह रहा हूँ, और भी बहुत सी जिम्मेदारियाँ हैं, उसके बावजूद भी जो मैं रोज रात में जग के आपसे कक्षाएँ ले सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि जो जरूरी चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसे करते चाहिए। आप एक एटलस रख लीजिए प्लीज़, एक एटलस अगर नहीं रखे हैं तो एक एटलस रख लीजिए। मान लेते हैं अफ्रीका महाद्वीप में ही कोई छोटा प्लेस दिखाना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ दिखाने में मैं सक्षम नहीं हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि आप अपने एटलस में जरा खोलिए तो अफ्रीका महाद्वीप यहाँ देखिए, आप ऐसे देखेंगे, आपके हित में रहेगा। आप एटलस खरीद लीजिए खरीद लेंगे तो मेरे ऊपर प्रेशर थोड़ा कम रहेगा, और वो जरूरी भी है। एटलस रखिए अपने पास अगर मेरा सर्वोत्तम उपयोग करना है। आइए स्टार्ट करते हैं, सुनिए ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा पार्ट मैं आज पढ़ा रहा हूँ। मैंने पहले पार्ट में बताया था, मैं झीलों पर चर्चा कर रहा था, लेकिन झीलों के बारे में फैक्ट नहीं दे पाया था। आइए आज झीलों पर मैं फैक्ट देता हूँ आपको, कुछ जरूरी तथ्य। तो मैंने बताया था कि नील नदी पर मिस्र में स्थित नासिर झील, नील नदी जहां से निकलती है विक्टोरिया झील, उसके नीचे टंगनिका झील, मलावी झील, सभी पूर्वी अफ्रीका में दरार घाटी, भूमध्य सागर के मुहाने से लेकर मलावी झील तक एक दरार घाटी है, यानी जमीन यहां नीचे बैठ रही है। इसी दरार घाटी में नील नदी और ये चारों झीलें
स्थित है। एक सीधी रेखा में देखिए उत्तर दक्षिण में विस्तार है झीलों और नदियों का, इन सभी झीलों और नदियों का उत्तर दक्षिण दिशा में विस्तार है, और भ्रंश घाटी भी उत्तर दक्षिण दिशा में ही विस्तृत है, और भ्रंश घाटी के साथ साथ ही ये सभी संरचनाएं, सभी झीलें और नदियां उत्तर दक्षिण दिशा में फैली हुई हैं। मैंने बताया था कि प्लेटों के बारे में कुछ बताया था पहले पार्ट में कि क्या प्लेटें कैसे गतिविधि करती हैं, तो यहाँ पे झीलें निर्मित हुई हैं। ये झीलें आंतरिक कारणों से निर्मित हुई, धरती के आंतरिक कारणों से, पहले पार्ट में बताया था। अब आइए झीलों पर मैं चर्चा करता हूँ, कुछ तथ्य बताता हूँ। नासिर झील अफ्रीका की झीलों से सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। नासिर झील मिस्र में नील नदी पर है, मिस्र में नील नदी पर नासिर झील है। ओके, विषुवत रेखा पर विक्टोरिया झील है, यहाँ विषुवत रेखा पर विक्टोरिया झील है, नील नदी विक्टोरिया झील से ही निकलती है, नील नदी विषुवत रेखा पर स्थित विक्टोरिया झील से ही निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, भूमध्य सागर में गिरती है। विक्टोरिया झील, उसके दक्षिण में टंगनिका झील, उसके दक्षिण में मलावी झील, विक्टोरिया टंगनिका मलावी, विक्टोरिया टंगनिका मलावी, ये झील एक सीधी रेखा में है लगभग लगभग। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अक्सर इन झीलों से सटे देशों की सीमा पूछता है कि कौन कौन से देश इनसे सीमा बनाते हैं। यहां पर बहुत स्पष्टता से दिखाना तो संभव नहीं, लेकिन कुछ बातें मैं बता दे रहा हूं। इन तीनों झीलों से सीमा बनाने वाला एक देश कॉमन है, तंजानिया। तंजानिया जो है विक्टोरिया से भी सीमा बनाता है, टंगनिका से भी और मलावी झील से भी। तंजानिया ये है, TN लिखा है, यह है तंजानिया। तंजानिया देखिए विक्टोरिया से भी सीमा बनाता है, टंगनिका से भी और मलावी से भी। तो जब भी सीमा पूछा जाएगा तो तंजानिया को तो पहले अपने दिमाग बसा लीजिए कि जब भी अफ्रीका की झीलों की सीमा पूछा जाए, यही तीनों झीलों का ज्यादा पूछता है सीमा। झीलें तो और भी है, लेकिन सीमा कौन कौन से बना, किस किस देशों से झीलें सीमा बनाती हैं, इन्हीं तीनों को ज्यादा पूछता है। तो याद रख लीजिए कि तंजानिया तीनों झीलों से सीमा बनाता है, ठीक है। इसके अलावा आप अपने मैप में देख लीजिए कि और कौन कौन से देश हैं जो इन झीलों से सीमा बनाते हैं। आप मैप में देखेंगे, एड्रेस में देखेंगे, मैं यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ। नासिर झील मिस्र में है, विक्टोरिया झील से तीन देश सीमा बनाते हैं, तंजानिया, युगांडा, केन्या। यहाँ पे भी देखिए ये विक्टोरिया है, तंजानिया, युगांडा ऊपर है, और यह केन्या। तंजानिया, केन्या, युगांडा, तंजानिया, केन्या, युगांडा, तीन देश सीमा बनाते हैं विक्टोरिया झील से। अब आते हैं टंगनिका झील पर, बीच में टंगनिका झील से भी मैंने बताया तंजानिया इससे भी सीमा बना रहा है। तंजानिया के अलावा तीन देश और हैं, बुरुंडी, कांगो, जाम्बिया। इसे लिख लीजिए अपने नोट्स में, समझेंगे तब जो आप खुद एटलस देखेंगे। टंगनिका झील से चार देश सीमा बनाते हैं, तंजानिया, बुरुंडी, कांगो, जाम्बिया। मलावी से तीन देश सीमा बनाते हैं, ये मलावी, तंजानिया बनाएगा ही, तंजानिया, ये मोजाम्बिक। मोजाम्बिक चैनल के पास जो देश है इसे हम कहते हैं, ये मोजाम्बिक चैनल है, इसके पास जो देश है इसको कहते हैं मोजाम्बिक। तो तंजानिया, मोजाम्बिक और मलावी झील के बगल में उसी लंबाई में एक देश है सकरा सा, देखिए उत्तर दक्षिण में विस्तृत। मलावी झील के ठीक पश्चिम में एक देश दिखाई दे रहा है आपको, ये मलावी झील है, पश्चिम में देखिए एक देश है उतना ही चौड़ा जितना मलावी झील है लंबाई में उत्तर दक्षिण दिशा में, इसे हम मलावी कहते हैं, देश का नाम भी मलावी ही है। तो जो मलावी झील है स्पष्ट रूप से तीन देशों से सीमा बना रहा है, आप देख रहे हैं, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक। तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक यहां लिखा हुआ, तंजानिया, मलावी, मोजाम्बिक। इसके अलावा प्रश्न झीलों से जो पूछे जाते हैं, इन दो झीलों से भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि तुर्कान झील किस देश में है, अफ्रीका का, या अफ्रीका ना भी बोले तो तुर्कान झील किस देश में है। तुर्कान झील आपका यहाँ पे केन्या है ना, ये केन्या, देखिए तुर्कान झील इसमें है, यहाँ पे ये है तुर्कान झील केन्या में, यहाँ लिखा हुआ है तुर्कान, केन्या, और टाना, ये टाना लिखा हुआ है, साफ साफ लिख दूं, टाना झील इथियोपिया में है, टाना झील इथियोपिया में है, यहाँ पे ऐसे ताना झील इथियोपिया में है। ये भी सवाल भी पूछा जा चुका है अलग अलग परीक्षाओं में। तो हमने बताया अफ्रीका के कितने झीलों के बारे में बात की, नासिर मिस्र में, ताना इथियोपिया, केन्या में तुर्कान, विक्टोरिया तंजानिया, सॉरी टंगनिका, मलावी, पांच छह देशों झीलों के बारे में बात की। अब झीलों के बाद हम आते हैं नदियों पर। अफ्रीका की नदियों में सबसे महत्वपूर्ण, या विश्व की नदियों में सबसे कुछ महत्वपूर्ण नदियों में शामिल है नील नदी। नील के बारे में सवाल हमेशा पूछा जाता है, कैसे सवाल बनता है, आइए इस पर चर्चा करते हैं कि नील से सवाल पूछेगा तो
कितना भी घुमा के पूछे आप कर देंगे। नील के बारे में पहला फैक्ट, कहां से निकलता है? विक्टोरिया झील से। कहां गिरता है? भूमध्य सागर में। नील नदी कितने देशों से होकर गुजरता है? देखिए विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील के उत्तर में कौन सा देश है जो उससे सीमा बनाता है? विक्टोरिया झील से, विक्टोरिया झील से सीमा बनाने वाला उत्तर में स्थित देश युगांडा है। तो नील नदी विक्टोरिया से निकलकर युगांडा में जाती है, फिर ये दक्षिणी सूडान लिखा है, दक्षिणी सूडान, फिर सूडान, फिर मिस्र। नील नदी चार देशों से होकर गुजरती है विक्टोरिया झील से निकलने के बाद, उत्तर में प्रवाहित होती है। चार देश हैं, युगांडा, दक्षिणी सूडान, सूडान, मिस्र। दक्षिणी सूडान नया देश है, चर्चा आ गया। तो मैं बता दूं कि दक्षिणी सूडान, पहले सूडान एक ही था, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यहां से लेकर यहां तक सूडान था। लेकिन किसी देश में जब प्रजाति बहुलता बहुत ज्यादा हो जाती है तो एक अलग राजनीतिक इकाई की मांग होने लगती है। दक्षिणी सूडान ईसाई बहुल है, उत्तरी सूडान मुसलमान बहुल है, और दक्षिणी सूडान ईसाई बहुल है। 2011 के पहले दक्षिणी सूडान नामक देश नहीं था, 2011 में बना, तो ईसाई बहुल क्षेत्र है। इसके चलते अलग देश की मांग हुई दक्षिणी सूडान में, तो जुलाई 2011 में दक्षिणी सूडान की स्थापना एक देश के रूप में ईसाई बहुल क्षेत्र के रूप में हुई। ईसाई बहुल क्षेत्र था इसलिए जुलाई 2011 में इसकी एक अलग देश के रूप में स्थापना हुई दक्षिणी सूडान। दक्षिणी सूडान की राजधानी क्या है आप बताइए? ठीक है, तो चार देश उसको गुजरते, नील नदी, युगांडा, दक्षिणी सूडान, सूडान, सूडान की राजधानी बताइए, मिस्र। ठीक है, मिस्र की राजधानी भी बताइए। अफ्रीका की सभी महत्वपूर्ण देशों की राजधानी याद रखिए। ओके, नील के बारे में तीसरा फैक्ट जो पूछ सकता है कि व्हाइट नील नदी कहां कहां बहती है, या व्हाइट नील नदी का उद्गम किस देश से होता है, या ब्लू नील नदी किस देश से निकलती है। तो नील नदी की दो धाराएं हैं, जो विक्टोरिया से निकलती है मूल धारा, उसको कहते हैं व्हाइट नील, व्हाइट सफेद, व्हाइट नील। एक नील नदी की दूसरी धारा इथियोपिया से निकलती है, इसको कहते हैं ब्लू नील। यानी नील नदी की मुख्य धारा जो विक्टोरिया से निकलती है इसे कहते हैं व्हाइट नील, इथियोपिया से जो धारा निकलती है उसे कहते हैं ब्लू नील। व्हाइट नील और ब्लू नील मिलते हैं सूडान की राजधानी खार्तूम में, सूडान की राजधानी यहां खार्तूम में मिलते हैं। फिर संयुक्त धारा दोनों की क्या कहलाती है? नील, व्हाइट नाइल प्लस ब्लू नाइल बराबर नाइल। ओके, तो ये इतने तरह के सवाल पूछे जाते हैं नील नदी से। नील नदी पर यहां पे है नासिर झील मिस्र में। नासिर झील के ठीक उत्तर में एक डैम बना दिया गया है, बांध। अक्सर पहाड़ों पर जब नदियां पहाड़ों पर गुजरती हैं, ढालों से होकर नीचे की ओर बहती हैं, तो नदियों का जल रोक दिया जाता है, दीवार बना के नदियों के सामने क्या खड़ा कर दिया जाता है? दीवार। नदियों के सामने भी, दाएं बाएं भी और पीछे भी, एक निश्चित एरिया में नदी, जैसे कि मान लेते हैं कि यह है नदी, तो यहां भी दीवार खड़ा कर दिया गया, यहां भी और यहां भी। आप समझ रहे हैं, देख रहे हैं, ये नाइल नदी बह रही है, तो यहां भी दीवार खड़ा किया, यहां भी और यहां भी। फिर यहां पर गेट बना दिया जाता है, यहां पर क्या बना दिया जाता है आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर गेट बना दिए जाते हैं। नील नदी अगर इधर की ओर प्रवाहित हो रही है, इधर दक्षिण से उत्तर की ओर, तो यहां पर गेट बना दिया गया है, पानी निकलेगा, यहां पर पानी नियंत्रित किया जाता है, तभी छोड़ा जाएगा जब पहले ये डैम भर जाए। जब ये डैम, क्योंकि पानी तो इधर से आ ही रहा है, पानी तो इधर से आ रहा है, ये डैम भर जाएगा तो पानी यहां से फिर छोड़ा जाएगा धीरे धीरे, उतना ही पानी छोड़ा जाता है इस दरवाजे से, ताकि इसमें पानी की कमी ना हो। अब अपार जल राशि का यहां संचय हो जाता है डैम में, इस डैम में अपार जल राशि का संचय हो गया। अब क्या करेंगे कि इसके आस पास के क्षेत्रों में, दाएं या बाएं या सामने, कहीं भी जहां नीचे गड्ढा हो, नीचे गहराई हो, खाई नुमा, खूब नीचे बिजली बनाने वाली मशीन लगा दी जाती है, बिजली बनाने वाली मशीन लगा दी जाती है, और उस मशीन में डैने लगे होते हैं पंखे की तरह, उस डैने को चलाने के लिए पानी छोड़ा जाता है, ऊंचाई से डैम से पानी छोड़ा जाता है झरने की तरह। जब डैम से पानी नीचे गिरता है तो उस मशीन के डैने घूमना शुरू कर देते हैं, क्या बनेगा? बिजली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है, जब वो घूमता है तो अंदर बिजली बनती है। बिजली बनाने के लिए जल का प्रयोग किया जाता है ऊंचाई से गिरा के,
उसे घुमाने के लिए कोयले का भी प्रयोग किया जाता है। तो जब बिजली की मशीन को संचालित करने के लिए जिससे बिजली बनता है, उसका नाम मुझे भी नहीं याद आ रहा है, अचानक क्या बोलते हैं जिसमें बिजली का मशीन, जिसमें बिजली पैदा होती है, तो उसे घुमाने के लिए जब कोयले का प्रयोग करते हैं, कोयले के ईंधन का, तो उसे ताप विद्युत कहते हैं। जब ऊंचाई से बांध से जल गिरा के उसे घुमाया जाता है उसके डायनो को, तो क्या कहते हैं, जल विद्युत। गुजरात जैसे क्षेत्रों में जहां हवा बहुत तेज चलती है, वहां पर उस मशीन को ऊपर हवा में लगा दिया जाता है, एक खंभा किया जाएगा, खड़ा किया जाएगा, खंभे के ऊपर एक बहुत बड़ा पंखा होगा, बहुत विशाल पंखा, पंखे के बीचों बीच बिजली बनाने वाली मशीन। तो जब हवा चलती है तो पंखा घूमेगा, पंखा घूमेगा तो बीच में जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र वाली मशीन लगी है पंखे के बीचों बीच, उसमें बिजली बनेगी। तो जो हवा से चलता है तो क्या कहते हैं, पवन विद्युत। जब जल से चलता है तो कहते हैं जल विद्युत, और जब कोयला जलाने से उसे घुमा दिया जाए तो कहते हैं ताप विद्युत। ऐसे ही बताया, हो सकता है आपको पता भी हो। तो इसी तरह से यहाँ पर मलावी नासिर झील के ठीक उत्तर में एक डैम बना दिया गया है। डैम का नाम है आसवान। यहां पे आसवान डैम बनाया गया है, आसवान बांध किस देश में है, मिस्र में। किस नदी पर है, नील नदी पर। तो आसवान बांध बना के जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है मिस्र में, नील नदी पर आसवान बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये हुई नील नदी से जुड़ी जानकारियां। अब आते हैं कांगो नदी पर। मिस्र के बाद दूसरी महत्वपूर्ण नदी है कांगो नदी। कांगो गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसे हिंदी में कहेंगे कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य को दूसरा नाम भी देते हैं जायरे, इसे आप कांगो गणराज्य कहिए देश को, चाहे जायरे। देखिए अफ्रीका के बीचों बीच जो देश है, मध्य अफ्रीकी गणराज्य भी कहते हैं। क्या, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, क्योंकि ये कांगो गणराज्य है इसलिए इसको मध्य अफ्रीकी गणराज्य भी कहते हैं। जायरे नाम भी देते हैं इस देश को। तो इसमें एक नदी बहुत विशाल बहती है, हमने कहा ना जहां भी विषुवत रेखा है वहां पर साल भर पानी बरसता है, जहां विषुवत रेखा है वहां पर साल भर पानी बरसता है। जब साल भर पानी बरसेगा तो किसका जन्म होगा, एक विशाल नदी का जन्म होगा। जैसे वहां ब्राजील में जो विषुवत है उसके आसपास सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्यों, क्योंकि साल भर वर्षा होती है, साल भर वर्षा होती है तो एक विशाल नदी निकलती है ब्राजील में, नाम क्या देते हैं, अमेजन नदी। दक्षिण अमेरिका में जाके देखिए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में उसी तरह यहाँ विषुवत रेखा के कारण साल भर वर्षा होती है, इसके चलते जो विशाल नदी निकलती है उसे नाम देते हैं कांगो। कांगो देश भी है, कांगो गणराज्य, उसमें जो नदी निकलती है यहाँ से यहाँ तक तट पे चली जाती है, अटलांटिक महासागर में चली जाती है कांगो नदी, उसे कहते हैं कांगो नदी। कांगो नदी की विशेषता है कि ये विषुवत रेखा को दो बार काटती है। देखिए यहां से निकली, विषुवत रेखा को पार की, उत्तर में गई, फिर विषुवत रेखा को पार करके यू टर्न मारी, दक्षिण में गई और गिर गई अटलांटिक महासागर में। तो कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार क्रॉस करती है, किस देश में है, कांगो देश में है। वास्तव में कांगो देश का पूरा क्षेत्रफल कांगो नदी के साथ साथ ही विस्तृत है। कांगो नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है, जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है किसी नदी का, एक नदी की सैकड़ों सहायक नदियां होती हैं जो अपना जल लाके उस नदी में गिराती हैं। तो उन सभी सहायक नदियों के तंत्र को जो मुख्य नदी के साथ शामिल करते हैं तो क्या बनता है, जल ग्रहण क्षेत्र। देखिए सैकड़ों सहायक नदियां हैं, दक्षिण से आ रही हैं और उत्तर से आ रही हैं। तो ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है, कांगो नदी का जल ग्रहण क्षेत्र। वास्तव में जो कांगो गणराज्य है, कांगो नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के साथ साथ ही विस्तृत है, यानी जहां तक कांगो नदी का जल ग्रहण क्षेत्र है वहां वहां तक कांगो गणराज्य विस्तृत है, यानी पूरी तरह से नदी के आधार पर निर्मित देश है। जहां जहां तक नदी की सहायक नदियां विस्तृत है वहां वहां तक कांगो गणराज्य विस्तृत है। आप तट देखें कांगो गणराज्य का, अगर कांगो गणराज्य का तट देखिए कितना सकरा सा तट है, बस इतना देखिए, ये पतला सा। अगर कांगो नदी का मुहाना यहां नहीं होता तो क्या कांगो गणराज्य को तट मिलता, नहीं। कांगो गणराज्य का जो तट है अटलांटिक महासागर के तट पर वो उतना ही चौड़ा है जितना कांगो नदी का मुहाना, समझे आप। तो जहां जहां तक कांगो नदी गई है वहां वहां तक कांगो गणराज्य देश भी विस्तृत है। कांगो नदी के चलते ही कांगो गणराज्य को समुद्र तट मिल गया है, अथवा ये यहीं तक सीमित रह जाता, तट तक नहीं पहुंच पाता। तो ठीक है, तो दो बार क्रॉस करता है विषुवत रेखा को कांगो नदी,
और उसके बाद कांगो में जो दक्षिण वाला क्षेत्र है, ये उत्तरी कांगो, ये दक्षिणी कांगो, नीचे दक्षिण होता है हमेशा मैप में, ऊपर उत्तर होता है। तो जो कांगो गणराज्य का दक्षिणी वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र देख रहे हैं हमने डार्क कर दिया इसे, ये वाला क्षेत्र जो कांगो गणराज्य का, तो यानी दक्षिणी कांगो गणराज्य में एक पठार है बहुत बड़ा, इसका नाम है कटंगा पठार, कटंगा पठार। दक्षिणी कांगो गणराज्य में कटंगा पठार है, कटंगा पठार धात्विक खनिजों से बहुत ही समृद्ध है। कटंगा पठार पूछा जाता है हमेशा कि कटंगा गणराज्य किस महाद्वीप में है, सॉरी कटंगा पठार किस महाद्वीप में है, अफ्रीका कौन से देश में ज्यादातर हिस्सा इसका आता है, कांगो गणराज्य में है। किस लिए जाना जाता है, धात्विक खनिजों के लिए जाना जाता है। मुख्य रूप से कौन से धात्विक खनिज पाए जाते हैं यहां, हीरा और तांबा। दुनिया का लगभग आधा हीरा, दुनिया में हीरे का जितना भी भंडार है उसका लगभग लगभग आधा हीरा यानी 40% के लगभग या उससे भी अधिक कटंगा पठार में संचित है। हालांकि उत्पादन नहीं होता है, हीरा उत्पादन नंबर वन देश कौन सा है, रसिया रूस, क्योंकि वहां उत्पादन होता है, यहां पर अभी उत्पादन नहीं शुरू हो पाया है। देखिए अनुमान है कि दुनिया का लगभग आधा हीरा कटंगा पठार में संचित है। इसके अलावा दुनिया के तांबे के जो प्रमुख भंडार है, बड़े भंडार, उसमें भी कटंगा पठार शामिल है। कटंगा पठार में बहुत बड़ी मात्रा में तांबे का भंडार पाया जाता है। ओके, अब आते हैं, हम नदी पढ़ा रहे थे तो बगल में खनिज क्षेत्र था तो भी पढ़ा दिए, क्योंकि कांगो नदी कटंगा पठार से ही निकलती है। देखिए तो अब आते हैं नाइजर नदी, नाइजीरिया में एन आई अर्थात नाइजीरिया, नाइजीरिया में जो नदी बहती है और गिनी की खाड़ी, ये कॉर्नर क्या है, गिनी की खाड़ी, हमने पहले भी बताया था पहले वीडियो में गिनी की खाड़ी, तो नाइजीरिया में जो नदी बहती है और गिनी की खाड़ी में गिरती है उसे कहते हैं नाइजर नदी। नाइजर नदी कहां बहती है, नाइजीरिया में, कहां मुहाना बनाती है, गिनी की खाड़ी में। नाइजीरिया में जो नाइजर नदी की घाटी है अर्थात आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र, नाइजर नदी की जो घाटी है उसमें जमीन के नीचे चट्टानों में बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम भंडार पाया जाता है। नाइजर नदी की घाटी में नाइजीरिया में बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम का भंडार संचित है। इसीलिए सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी कहते हैं, ऑयल रिवर, नाइजर नदी, नाइजर नदी को तेल नदी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसकी घाटी में पेट्रोलियम पाया जाता है, नदी में नीचे जमीन के चट्टानों में, तो इसे तेल नदी कहते हैं। तो ये पूरा तेल वाला क्षेत्र है नाइजर नदी के आसपास का क्षेत्र। तो इसी घाटी में एक स्थल है, ये एक शहर है, शहर का नाम है इबादान, इबादान। इबादान की खासियत क्या है, इबादान में तेल निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, तेल निकाला जाता है। नाइजीरिया में जो तेल का उत्पादन होता है उसका शोधन कहां किया जाता है, इबादान की रिफाइनरी में, इबादान में रिफाइनरी भी है, यानी यहीं पर तेल का तेल निकाला भी जाता है और इबादान की रिफाइनरी में तेल का शोधन भी किया जाता है, रिफाइनरी भी है इबादान। और नाइजीरिया का सबसे बड़ा नगर, जैसे भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई, उसी तरह से नाइजीरिया का सबसे बड़ा नगर इबादान, खास बात इबादान की। ओके, अब आते हैं हाँ एक चीज और है, जैसे नील नदी पर आसमान बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है, वैसे ही नाइजर नदी पर भी यहां पर कैंजी बांध बनाया गया है, क्या नाम है, कैंजी, कैंजी, नाइजर नदी पर कैंजी बांध बनाकर जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। जैसे आसवान बांध पर जल विद्युत का उत्पादन होता है, वैसे ही कैंजी बांध पर भी जल विद्युत का उत्पादन होता है। ठीक है, एक नदी यहां बहती है, ये साउथ अफ्रीका है, उसके ऊपर बोत्सवाना है, उसके उत्तर में, बोत्सवाना के दक्षिण में साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के उत्तर में बोत्सवाना। तो साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना का जो बॉर्डर देख रहे हैं, ये साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना का बॉर्डर, तो यहां पे एक नदी बहती है ऐसे, ठीक है, इस दिशा में, यहां पे साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना
की सीमा पर बनने वाली नदी का नाम है लिम्पोपो, यानी लिम्पोपो नदी दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना की सीमा पर बहती है। लिम्पोपो नदी की दूसरी खास बात जो सवाल पूछा जाता है वो ये है कि ये देखिए मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी ये क्रॉस करती है, तो लिम्पोपो नदी 23.5 डिग्री दक्षिणी अर्थात मकर रेखा को दो बार काटती है, एक बार क्रॉस करके उत्तर में जाती है फिर क्रॉस करके दक्षिण में चली जाती है। जिस तरह से कांगो नदी विषुवत रेखा को दो बार काटता है उसी तरह लिम्पोपो नदी भी मकर रेखा को दो बार काटता है। इसके बाद अगली नदी है जो महत्वपूर्ण है वो है जाम्बेजी। जाम्बेजी नाम से ही लग रहा है कि जाम्बिया या जिम्बाब्वे, अफ्रीका के दक्षिणी क्षेत्रों में दो महत्वपूर्ण देश हैं। यहां पे एक है जिम्बाब्वे और इसको कहते हैं जाम्बिया, जे ए यानी जाम्बिया और जे आई अर्थात जिम्बाब्वे, जाम्बिया जिम्बाब्वे, जाम्बिया जिम्बाब्वे। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर जो नदी यहां पर बहती है ऐसे उसे हम क्या कहते हैं, यहां से शुरू होती है सीमा पर बहती है जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर, जाम्बिया प्लस जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर कौन सी नदी बहती है, जाम्बेजी नदी। ठीक है, कहां गिरती है, मोजाम्बिक चैनल में, यह मोजाम्बिक देश बगल में है, मोजाम्बिक चैनल समुद्र होता है, जलसंधि मोजाम्बिक जलसंधि। तो जाम्बेजी नदी दो देशों की सीमा पर बहते हुए मोजाम्बिक चैनल में गिरती है। इस नदी की एक खास बात है कि इस पर एक बांध है, यहां भी जल विद्युत का उत्पादन होता है, करीबा बांध कहते हैं, यह करीबा बांध, करीबा बांध किस नदी पर है, जाम्बेजी नदी पर है, जाम्बेजी नदी। तो जाम्बेजी नदी पर है करीबा बांध, यहां बॉर्डर पर है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर बॉर्डर पर करीबा बांध, यहां भी जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। अफ्रीका में हमने बताया तीन जगहों पर होता है, एक करीबा बांध, दूसरा आसवान बांध, आसवान बांध किस नदी पर है, नील नदी, तीसरा बताया कैंजी बांध किस नदी पर है, नाइजर नदी, नाइजर नदी। तीन बांधों को हमने लिखा करीबा बांध, आसवान बांध, कैंजी बांध। ओके, दक्षिण अफ्रीका पर आते हैं, यह एक देश है, कंट्री है साउथ अफ्रीका, अफ्रीका में सबसे संपन्न देश यही है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में यहां पे एक शहर है, यहां पे उसका नाम है जोहान्सबर्ग, जोहान्सबर्ग अफ्रीका का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा शहर कौन सा है, साउथ अफ्रीका का जोहान्सबर्ग। जोहान्सबर्ग तो पहला फैक्ट क्या है, साउथ अफ्रीका का प्रमुख शहर, दूसरा फैक्ट क्या है जोहान्सबर्ग के बारे में, विटवाड्स विटवाड्स रैंड पहाड़ी, जोहान्सबर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, विटवाड्स रैंड पहाड़ी पर स्थित है, प्रमुख शहर है विटवाड्स रैंड की पहाड़ी पर स्थित है। तीसरा, विटवाड्स रैंड की जो पहाड़ी है किस लिए जानी जाती है, सोने का बड़ा भंडार, विटवाड्स रैंड की पहाड़ी में सोने का बहुत बड़ा भंडार संचित है। जोहान्सबर्ग किस पहाड़ी पर है, विटवाड्स रैंड की पहाड़ी पर है।
इसमें सोने का बहुत बड़ा भंडार संचित है। चौथा, दुनिया में सबसे ज्यादा सोना जोहानिसबर्ग की खानों से, जोहान्सबर्ग की खानों से, यानी यहाँ सोने का भंडार है इस पहाड़ी पर। तो जोहानिसबर्ग में कई खाने बना दी गई हैं सोने की, जैसे भारत में कोलार और हट्टी, कर्नाटका में सोने की दो खाने हैं कोलार और हट्टी, उसी तरह जोहानिसबर्ग में कई खाने बना दी गई हैं। तो जोहानिसबर्ग की खानों से दुनिया में सर्वाधिक सोना निकाला जाता है। इसलिए जोहानिसबर्ग को स्वर्ण नगर भी कहते हैं, इसलिए जोहानिसबर्ग को स्वर्ण नगर भी कहते हैं। दक्षिण अफ्रीका की दो राजधानियां हैं, ध्यान देने की बात है कि दक्षिण अफ्रीका में दो राजधानियां हैं, एक है प्रिटोरिया, पहला है प्रिटोरिया और दूसरा है केप टाउन। केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की दो राजधानियां हैं, प्रिटोरिया और केप टाउन। प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है, प्रशासनिक राजधानी, और केप टाउन क्या है, वैधानिक राजधानी। केप टाउन वैधानिक वैधानिक राजधानी। दक्षिण अफ्रीका का संसद कहां पे है, केप टाउन में। केप टाउन में दक्षिण अफ्रीका का संसद है, इसलिए वैधानिक राजधानी है, ठीक है। और दूसरी राजधानी प्रिटोरिया, प्रिटोरिया प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है। प्रिटोरिया का नया नाम है श्वाने, प्रिटोरिया का नाम बदल गया है, नाम है श्वाने, इंग्लिश में टी लगा देते हैं। श्वाने, एस एस के पहले टी साइलेंट हो जाता है, श्वाने। तो दक्षिण अफ्रीका की दो राजधानियों के बारे में आपने देखा। अब जो महत्वपूर्ण भाग में पढ़ाने जा रहा हूं द्वितीय पाठ का, वो है दक्षिण अफ्रीका के, सॉरी अफ्रीका की जलवायु। इतना बड़ा विस्तृत महाद्वीप है, विषुवत भी गुजरता है, कर्क रेखा भी और मकर भी। आज के चैप्टर को समझने के लिए जो मैं जलवायु पढ़ाने जा रहा हूं अफ्रीका की, वो दक्षिण अमेरिका वाला चैप्टर जो सेकंड पार्ट है दक्षिण अमेरिका का, उसमें मैंने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की जलवायु पर चर्चा की है, उससे काफी हद तक मिलता जुलता है। हर महाद्वीप में विषुवत रेखा पर वैसे ही जलवायु पाई जाती है, हर महाद्वीप में विषुवत रेखा पर विषुवती जलवायु पाई जाती है। साल भर वर्षा, साल भर हरे भरे रहने वाले पेड़ पौधे विषुवत रेखा पर, ऐसे वनों को क्या कहते हैं, सदाबहार वन, दूसरा वर्षा वन या सदाबहार वन। यहां पे तो जलवायु के बारे में बात करते समय कहीं कहीं मैं कुछ नई चीजें भी बनाऊंगा, जैसे कि हमने यहां डिलीट कर दिया ऐसे, ताकि हम विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों को, ये जो विषुवत रेखा, ठीक है। तो जलवायु विषुवत रेखा पर साल भर वर्षा, सब कुछ लिखते जाएंगे आप, हमेशा हर चीज लिखेंगे। तीनों रेखाएं गुजरती हैं, विषुवत रेखा साल भर वर्षा का क्षेत्र होता है। तो विषुवत रेखा पर कौन से देश है महत्वपूर्ण, एक कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य और कांगो। तो कांगो गणराज्य और कांगो में सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, विषुवती जलवायु पाई जाती है यहां पे। सदाबहार वन अर्थात वर्षा वन कहां पे, जायरे और कांगो गणराज्य को जायरे भी कहते हैं। जायरे और कांगो में क्या पाया जाता है, सदाबहार वन, यहां से लेकर यहां तक के क्षेत्रों में। पूर्वी अफ्रीका में सदाबहार वन नहीं पाया जाता है, क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है, इन क्षेत्रों में वर्षा नहीं होती है पूर्वी अफ्रीका में। इसलिए ये हमने बताया था ना, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका वाला जो इलाका है सूखा इलाका है, यहां पर वर्षा नहीं होती है। पश्चिमी अफ्रीका में ही वर्षा होती है विषुवत रेखा के साथ साथ। तो इसलिए जायरे और कांगो, कांगो गणराज्य और कांगो में विषुवती जलवायु पाई जाती है, सदाबहार वन मिलते हैं। इसके उत्तर में जाने पर, यानी यहां से लेके यहां तक का जो इलाका है,
अफ्रीका में विषुवतीय जलवायु की उत्तर और दक्षिण में जाने पर कलरफुल बना दें, यहां से यहां, ये देख रहे हैं, विषुवतीय जलवायु वाला जो क्षेत्र है उसके उत्तर में जाए चाहे दक्षिण में, कौन सी जलवायु पाई जाती है? सवाना, सवाना जलवायु, और दक्षिण में भी सवाना। जैसे जैसे विषुवत रेखा से आप दूर हो रहे हैं ना, विषुवत रेखा से देखिए जलवायु बदलती चली जा रही है। ये कौन सी जलवायु है? वर्षावन वाली, वर्षावन या विषुवतीय जलवायु, वर्षावन या विषुवतीय। उसके उत्तर और दक्षिण में जाएंगे तो कौन सी जलवायु पाई जाएगी? सवाना, सवाना तुल्य जलवायु क्या कहते हैं? सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कौन सा देश है? सूडान है, यहाँ पे सूडान है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं, क्योंकि सवाना जलवायु की सबसे पूरी विशेषताएं कहाँ पे मिलती हैं? सूडान में मिलती हैं सवाना जलवायु की। सवाना जलवायु की विशेषता क्या होती है? मोटी और कठोर घासें, मोटी कटीली और कठोर घास के मैदान पाए जाते हैं सवाना जलवायु के क्षेत्र में, क्योंकि वर्षा कम होती है। आप दक्षिण अमेरिका देखे होंगे उसमें समझ रहे होंगे कि दक्षिण अमेरिका में भी जो वर्षावन वाला क्षेत्र है अमेजन घाटी का वर्षावन, उसे क्या कहते हैं? सेल्वास। सेल्वास के उत्तर में और दक्षिण में, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहा हूँ, सेल्वास के उत्तर में और दक्षिण में क्या मिलता है? सवाना जलवायु। सेल्वास के उत्तर में वेनेजुएला है, तो वहां पे सवाना जलवायु क्या कहते हैं? लानोस। और सेल्वास के दक्षिण में जो सवाना जलवायु दक्षिणी ब्राजील में, उसे क्या कहते हैं? कैंपोस। उसी तरह से अफ्रीका में भी वर्षावन के उत्तर और दक्षिण में सवाना जलवायु पाई जाती है, इसे सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं। अफ्रीका में इसे विशेष नाम नहीं देते हैं जैसे कि दक्षिण अमेरिका में नाम दिए हैं, कैंपोस, लानोस, सेल्वास। अफ्रीका में इसे विशेष नाम स्थानीय नामों से नहीं जाना जाता है। सवाना तुल्य जलवायु की उत्तर दक्षिण में जाइए, और उत्तर दक्षिण में, सवाना तुल्य जलवायु की उत्तर दक्षिण में जब आप जाएंगे यानी वर्षावन, उसके उत्तर और उसके दक्षिण में सवाना, इसे सूडान तुल्य जलवायु भी कहते हैं, और उत्तर और दक्षिण में जाइए, इधर यहां ये और यहां ये, और उत्तर में और दक्षिण में यानी विषुवत रेखा से और थोड़ा उत्तर में और दक्षिण में दूर जाने पे क्या मिलता है? मरुस्थलीय जलवायु। यहां भी मरुस्थली जलवायु यानी वर्षावन सवाना मरुस्थली, वर्षावन सवाना मरुस्थली। तो यहां के मरुस्थल को क्या कहते हैं? सहारा मरुस्थल का विकास हुआ है, सहारा मरुस्थल। यहां वर्षा सबसे ज्यादा होती है, सवाना में वर्षा घट जाती है, झाड़ियां पाई जाती हैं। और उत्तर में जाएंगे नागफनी के वृक्ष कहीं कहीं बहुत दूर दूर पे 1-2 किलोमीटर पे एक वृक्ष दिखेगा नागफनी का, क्यों? क्योंकि वर्षा बिल्कुल कम होती है। यानी उत्तर और दक्षिण में जाने पर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, जलवायु भी बदलती जाती है। वर्षावन सवाना मरुस्थली, वर्षावन सवाना मरुस्थली। उत्तर के मरुस्थल को अफ्रीका में क्या कहते हैं? सहारा। और दक्षिण के मरुस्थल को क्या कहते हैं? कालाहारी, कालाहारी। सहारा मरुस्थल की प्रमुख जीव क्या है? ऊंट, यहां ऊंट पाए जाते हैं। और कालाहारी मरुस्थल का प्रमुख जीव क्या है? शुतुरमुर्ग। यहाँ पे ऊंट और यहाँ पे शुतुरमुर्ग। पूछा जाता है कि कालाहारी मरुस्थल या शुतुरमुर्ग कौन सा मरुस्थल पाया जाता है? कालाहारी मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल किस देश में है? मुख्य रूप से बोत्सवाना में है, लेकिन इसका विस्तार 3 देशों में है, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका। कल मैंने इसके पहले वाले वीडियो में अफ्रीका फर्स्ट पार्ट में से बताया है, ठीक है। तो ये हो गया अफ्रीका की जलवायु। दक्षिण अफ्रीका, यहां से लेके यहां तक दक्षिण अफ्रीका का देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल दक्षिणी वाले क्षेत्र में ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा यहां पे, इन क्षेत्रों में शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। कौन सी? शीतोष्ण, क्योंकि विषुवत रेखा से बहुत दूर चला गया, ध्रुव के पास जा रहे हैं आप धीरे धीरे, ध्रुव के पास, तो न गर्मी, ध्रुव के बहुत ठंडा नीचे और यहां पे बहुत गर्म, तो गर्मी और ठंडे के बीच का जो ठीक जोन है उसे क्या कहते हैं? शीतोष्ण। तो दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण जलवायु, शीतोष्ण जलवायु का दूसरा नाम क्या देते हैं? प्रेयरी जलवायु।
जैसा कि अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना में शीतोष्ण जलवायु और उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक्स के आसपास विषुवत रेखा की दूर के क्षेत्र हैं ये दोनों। तो विषुवत रेखा से जब बहुत दूर चले जाते हैं तो क्या मिलता है? शीतोष्ण जलवायु। शीतोष्ण जलवायु का दूसरा नाम क्या देते हैं? प्रेरी जलवायु। दक्षिण अफ्रीका में प्रेरी जलवायु के स्थानीय नाम क्या देते हैं? वेल्ड प्रदेश। क्योंकि प्रेरी जलवायु, प्रेरी कहां पे है? अमेरिका और कनाडा में है प्रेरी, लेकिन उसी तरह की जलवायु यहां भी मिलती है तो हम कहते हैं प्रेरी जलवायु है ये। ठीक वैसे ही जैसे सवाना जलवायु एक प्रकार है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में भी सवाना जलवायु पाई जाती है, उसी तरह प्रेरी जलवायु यहां पर भी पाई जाती है। उसको दक्षिण अफ्रीका में स्थानीय नाम क्या देते हैं? वेल्ड प्रदेश। अगर शीतोष्ण जलवायु है या प्रेरी जलवायु है तो वहां पे कैसी घासें उगेंगी? मुलायम और लंबी, लंबी और मुलायम झीलों का क्षेत्र होता है प्रेरी जलवायु। उससे दक्षिण अफ्रीका में क्या कहते हैं? वेल्ड प्रदेश। यहाँ पे कैसी घासें होती हैं? जैसे अमेरिका की प्रेरी में लंबी और मुलायम, या अर्जेंटीना के पंपास में, अर्जेंटीना के पंपास में भी तो प्रेरी जलवायु है, तो पंपास क्या है? प्रेरी जलवायु ही है। अर्जेंटीना में प्रेरी जलवायु क्या कहते हैं? पंपास। दक्षिण अफ्रीका में क्या कहते हैं उसे? वेल्ड। तो वेल्ड मुलायम और लंबी घासों का क्षेत्र है। यहां पर मक्का बहुत प्रमुखता से उगाया जाता है वेल्ड प्रदेश में। मक्का हमेशा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में उगाया जाता है, मक्का कभी भी गर्म जलवायु के क्षेत्र में नहीं उगाया जा सकता। इसीलिए भारत में भी देखिए मक्का कब उगाया जाता है, जब गर्मी धीरे धीरे जा रही होती है तो मक्का उगाया जाता है। तो ये जो है कि मक्का क्षेत्र है, इसको हम क्या कहते हैं? मक्का त्रिभुज। वेल्ड प्रदेश को दूसरा नाम क्या देते हैं? मक्का त्रिभुज। क्यों? क्योंकि वेल्ड प्रदेश में मक्का बहुत ज्यादा होता है। हम जब उत्तर अमेरिका पढ़ा रहे थे तो वहां भी हमने बताया था कि यूएसए में ग्रेट लेक्स के आसपास जो जलवायु होती है प्रेरी जलवायु, वहां पे लंबी और मुलायम घास के मैदान पाए जाते हैं। ऐसे क्षेत्रों में गेहूं और मक्का की बहुत अच्छी खेती होती है। गेहूं भी शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। तो गेहूं और मक्का में नंबर 1 देश कौन सा उत्पादन में? अमेरिका। वही ग्रेट लेक्स, 500 झीलों के आसपास प्रेरी जलवायु, तो वहां पे नंबर 1 देश अमेरिका है और यूएसए। और मक्का उत्पादन में दूसरा देश कौन सा है? चाइना। चाइना भी आप देखिए, भारत के उत्तर में हिमालय, हिमालय के उत्तर में चाइना। चाइना भी शीतोष्ण कटिबंध का देश है, इसलिए मक्का उत्पादन में दूसरा देश चाइना। ये भी शीतोष्ण कटिबंध में है वर्ल्ड प्रदेश, यहाँ पे भी मक्का खूब होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं मक्का त्रिभुज। साथ ही जो वर्ल्ड प्रदेश है दक्षिण अफ्रीका का, वर्ल्ड प्रदेश मक्का त्रिभुज, वो मेरिनो भेड़ पालन का क्षेत्र है। मेरिनो भेड़ पालन, यहाँ पर बड़ी मात्रा में मेरिनो भेड़े पाली जाती हैं। ओके, तो अफ्रीका महाद्वीप पर चर्चा समाप्त हुई। आप अपनी प्रतिक्रिया हमेशा देते रहिए, मुझे अच्छा लगता है। आवश्यकता होती है तो मैं आपकी प्रतिक्रिया का कमेंट में रिप्लाई भी देता हूँ। और जैसा कि मैंने कहा कि मेरे अध्याय को, मेरे चैप्टर्स को या मेरी कक्षा को जरूरतमंदों तक पहुँचाने के लिए आप मेरे चैनल या वीडियो के लिंक को शेयर करेंगे तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा थैंक्स होगा आपके द्वारा मेरे प्रति। और बिल्कुल, नमस्कार।